वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास मॉम लाइफस्टाइल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक महिला प्रेग्नेंट होने के बाद कौन कौन से शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दौर में कपल फैमिली प्लानिंग को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं। इस वजह से वो हर तरह की प्रिकॉशन बरतते हैं, लेकिन कई केसेस में ये सावधानी रखने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसके बारे में महिला को काफी देर तक पता भी नहीं चलता। इस वजह से शुरुआती समय में महिला के पेट में बच्चा पल रहा है, इसका वो ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी से जुड़े शुरुआती लक्षण आप जान लो, ताकि इनमें दिखाई देने पर आप टेस्ट के जरिए ये पुष्टि कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण जो दिखाई देता है वो है स्पॉटिंग या पेट में मुरोड़ उठना। आमतौर पर माना जाता है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना खतरे की घंटी है, लेकिन प्रेगनेंसी में शुरुआत का एक लक्षण भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल प्रेग्नेंट होने पर फर्टाइल एक यूटेरस के वॉल पे चिपक जाता है, इससे बजाने के जरिए थोड़ा सा खून निकल सकता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। इन्हीं कारणों में से पेट में मरोड़ भी चल सकती है, आपके पेट में से क्रैम्प्स भी उठ सकते हैं। कुल मिलाकर ये लक्षण कुछ ऐसे होते हैं जैसे पीरियड से पहले आमतौर पर महिलाएं अनुभव करती है। सो फ्रेंड, दूसरा बदलाव आपको दिखाई देता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, वो है प्रिंट में बदलाव, आपकी सनों में बदलाव। जब आप कंसीव करते हो, मतलब कंसेप्शन के बाद महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव बहुत ही तेजी से होते हैं। इस वजह से सन में सूजन, दर्द या झुनझुनापन भी महसूस हो सकती है। इसके साथ निपल एरिया का रंग भी ज्यादा गहरा होने लगता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा लक्षण आपको दिखाई देता है वो है थकान। एक फर्टिलाइज होने यानी प्रेगनेंसी शुरू होने के एक सप्ताह के अंदर महिला को शरीर में ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। शरीर में कमजोरी महसूस होने पर उन्हें बार बार आराम करने की इच्छा भी हो सकती है। ये थकान बिना काम किए बॉडी में फील होती रहती है। इसके पास का लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी का कॉमन लक्षण माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं को सुबह के वक्त इसका अनुभव हो। जी मचलने या उल्टी दिन में कभी भी हो सकती है, इसलिए इस लक्षण को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सहज रहने की जरूरत है। नेक्स्ट लक्षण देखते हैं फ्रेंड्स, वो है पीरियड मिस होना। प्रेगनेंसी के बारे में पता लगने के लिए पीरियड डेट का ट्रैक रखना बेहद जरूरी है, इसलिए आजकल बहुत सारे ऐप अवेलेबल है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो और आप उसे ट्रैकिंग कर सकती हो, अपनी ओवुलेशन डेट भी और पीरियड्स भी। सो फ्रेंड्स, डेट के एक महीने बाद मिस हो जाने पर एक बार चाहो तो घर पर या फिर डॉक्टर के पास जाकर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकती हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट होने पर महिलाओं के सिर में दर्द, पीठ में दर्द, चक्कर आना, कब्ज की समस्या होना और थोड़ा बहुत टेम्परेचर रहना, ऐसा लगना जैसे आपको बुखार है या फिर थोड़ी बीमारी वाली फीलिंग होना, ज्यादा यूरिनेशन और मूड में तेजी से बदलाव भी महसूस आप कर सकती हो। ऐसा गर्भधारण होने पर शरीर में चल रहे बदलाव के कारण होता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप में होता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने से आपका बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रह सकता है। हाई मतलब जो आपका रेगुलर होता है उससे थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लक्षण। अगर आपको लगता है आप प्रेग्नेंट हो और आप में इतने सारे लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप ये कंसिडर कर सकती हो कि आप प्रेग्नेंट हो, और इसे कंफर्म करने के लिए आप टेस्ट जरूर कराएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ये वीडियो। आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अपना ख्याल रखिए। फाइनल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।